ये है दिल्ली दर्पण। 28 अप्रैल की शाम 4 बजे से 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि कोविन प्लेटफॉर्म या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उन्हें 1 मई से वैक्सीनेशन दी जानी शुरू हो जाएगी। वर्तमान में भारत में 2 कोविड वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इनमें से एक हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई कोवैक्सीन है और दूसरी कोविशील्ड है जिसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका द्वारा विकसित किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्पुतनिक वी है जो रूस में विकसित किया गया था और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज द्वारा भारत में इंपोर्ट कर उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें इसे इंडियन ड्रग रेगुलेटर द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि कोविन पोर्टल के जरिए आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोविन वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन या साइन इन पर क्लिक करना होगा। फिर अपना मोबाइल नंबर डालें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। जब ओटीपी आ जाए तो उसे साइट पर एंटर कर वेरीफाई पर क्लिक कर दें। रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी सभी डिटेल्स डालनी है। इसके बाद रजिस्टर पर टैप कर दें। रजिस्टर करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का भी विकल्प मिलेगा। नाम के बराबर में शेड्यूल का विकल्प होगा, उस पर क्लिक कर दें। सर्च बार में अपना पिन कोड डालें। जहां जहां सेंटर्स होंगे वहां वहां आपको एक पिन दिखाई देगी। समय और तिथि सेलेक्ट करें और कंफर्म पर क्लिक कर दें। आपको बता दें कि यूजर्स एक लॉगिन के जरिए 4 सदस्यों को जोड़ सकते हैं और आसानी से अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आप किस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरोग्य सेतु ऐप पर जाना होगा। फिर होम स्क्रीन पर दिए गए कोविन टैब पर टैप करना होगा। इसके बाद वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन पर टैप करें। फिर अपना मोबाइल नंबर डालें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। जब ओटीपी आ जाए तो उसे साइट पर एंटर कर वेरीफाई पर क्लिक कर दें। रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी सभी डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे फोटो, आईडी प्रूफ, नाम और जन्म तिथि। इसके बाद रजिस्टर पर टैप कर दें। रजिस्टर करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का विकल्प मिलेगा। नाम के बराबर में शेड्यूल का विकल्प होगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद पिन कोड डालें और जहां सेंटर्स होंगे वहां आपको पिन दिखाई देगी। समय और तिथि सिलेक्ट करें और कंफर्म पर क्लिक कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर